भाई एंग्री बर्ड के कुछ ये हाल हो रखे अपने भाई। बहुत ही ज्यादा कमर दर्द होगी से मेरी आज, क्योंकि ना भाई क्योंकि ये जो बैग है ना भाई सीधे ना पीछे आ जा रहा है, सीधे आगे को आ जा रहा है, तो इससे भाई मैं पैक हो जा रहा हूँ। दोस्तों आज बता ही दो, एंग्री के फाटक से मेरी क्या दुश्मनी है भाई, जहाँ भी जाता हूँ फाटक लग जाता है मेरे लिए। यार आप लोग को रिएक्शन दिखाता हूँ भाई, तुम्हारे भाई की एंग्री बर्ड को देख के ना लोग बहेंगे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं यार। और अंकल देख रहे हैं हमारी बाइक को, देख रहे हैं अंकल के, समझ में नहीं आ रहा भाई। तो यार गाइस यहाँ पर गटरे चलान, एक बार तो भाई मेरी फट के आत्मा आ गई थी, बहंगा मुझे रोक दिया है। मस्त है, मजा आ गया। चलो ठीक है, बाय बाय। वाह क्या सीन है, कि अपने YouTube चैनल पे दिखाओ, मैं इसे दिखाऊंगा। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे यार। तो भाई एक नए सफर, एक नई राइड की शुरुआत हो चुकी है भाई। तो तुम्हारे भाई की ना एक न्यू राइड स्टार्ट हो चुकी है, और तुम्हारा भाई कर रहा है अभी सोलो राइड। और भाई ना इस बार ना तुम्हारे भाई की 20 डेज की ट्रिप होने वाली है, मतलब एक महीना भी लग सकता है। और भाई ना इस बार ना तुम्हारा भाई इतना सारा सामान लेके जा रहा है अपनी एंग्री वर्ल्ड में, फुली लोडेड हो रही भाई एंग्री वर्ल्ड। तो भाई आज तुम्हारा भाई जा रहा है हल्द्वानी, तो आज का सफर ना हल्द्वानी तक रहने वाला है। बट जो मेरी रोड ट्रिप है ना भाई, ये होने वाली भाई 20 डेज की रोड ट्रिप होने वाली है, जिसमें मैंने अपने गाँव को भी एक्सप्लोर करना है। तो गांव में भाई मैंने आप लोग को बताया था, जब मैं बागेश्वर आया था अपनी चीता से, तो भाई हमने बताया था कि हम गांव में शादियों में आ रहे, तो भाई गांव की शादी में तुम्हारा भाई आने वाला है। तो ये सोलो राइड होने वाली तुम्हारे भाई की। भाई कहाँ बीच में घुस गया भाई, दो ट्रकों के बीच में घुस गया। और तुम्हारे भाई का जो एंग्री बर्ड का पॉल्यूशन है ना, वो भी खत्म हो गया भाई, एक हफ्ते पहले खत्म हो गया है। तो अभी अच्छा हो गया, मैंने भाई आने से पहले चेक कर लिया था कि भाई पॉल्यूशन है नहीं है। तो भाई जहाँ से फ्यूल डलाएंगे ना वहाँ से पॉल्यूशन भी करवा लेंगे। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यार, तब तक तो भाई रेड सिग्नल दोबारा लग जाएगा। भाई लग गया भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है देहरादून में, अभी खुल चुका है। सुबह सुबह ना कॉलेज एंड ऑफिस वगैरह होते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है यहाँ। जैसे तुम्हारा भाई न्यू रोड ट्रिप पे जाता है ना भाई, बड़ा मज़ा सा लग जाता है। और हिमाचल प्रदेश से आने के बाद ना तुम्हारा भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो भाई इसलिए कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए मैंने। तो भाई अब जाके ना डेली ब्लॉगिंग आएंगी यार गाइस। भाई देहरादून में बहुत ज़्यादा चलान कट रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा बच के चलना पड़ रहा है अभी, कि भाई जब तक पॉल्यूशन नहीं कराता ना, तब तक एक डर सा मन में बैठा हुआ है कि भाई आज ही बहेंगे कोई रोक ना दे। तो भाई ऐसे ही होता है, जब अपने पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं तब कोई नुकता, बट जब अपने पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, कुछ भी छूट जाता है ना भाई, अपने को पुलिस वाले रोक लेते हैं यार। तो यार पहुंच चुके हैं फ्यूल पंप भाई, यहाँ पर पॉल्यूशन है नहीं है। मैंने इसके अपने YouTube चैनल पे दिखाओ, मैं इसे दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, बायोटेक राइडर के नाम से, बायोटेक राइडर, बायोटेक बायोटेक राइडर, देखना। अंकल की स्माइल बड़ी मस्त है, अंकल की स्माइल और अंकल के दांत बड़े मस्त है, गजब बेइज्जती है। तो यार गाइस यहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा, मेरे को लग रहा है पॉल्यूशन नहीं होगा, तो आगे जाके ट्राई करेंगे कि मिल जाए। बट यार आज ना अपनी एंग्री बर्ड को कोई रोके ना भाई। आप कार्ड दो, क्या दोगे? ऑनलाइन कार्ड। तो अपनी चीता की पेट पूजा भी होगी, और यहाँ पर ना पॉल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। यार आप लोग को रिएक्शन दिखाता हूँ भाई, तुम्हारे भाई की एंग्री बर्ड को देख के ना लोग बहेंगे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं यार। भाई देख रहे हो सामने वाले भाई मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि भाई कौन सी बाइक आ रही है। ये देखो भाई रिएक्शन गाइस, मस्त है मस्त। तो भाई फ्यूल डाल देना भाई, गाड़ी भगाने का जो मजा है ना एंग्री बर्ड के साथ भाई, नेक्स्ट लेवल मजा आता है अपनी एंग्री बर्ड के साथ भाई। सोलो राइड करने के लिए ना मैं तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा मस्त लगती है अपनी एंग्री बर्ड भाई। इसके साथ ना टाइम का और वक्त का और सफर का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता मुझे तो भाई। तो यार भाई लोगों, तुम्हारे भाई ने एंटर कर दिया भाई हरिद्वार में, और अभी तक ना तुम्हारे भाई को भाई पॉल्यूशन नहीं मिला भाई, अभी तक पॉल्यूशन वाली शॉप नहीं मिली यहाँ से मैं पॉल्यूशन करा सकूँ। तो यार जब से हरिद्वार वाला ये फ्लाईओवर बना है ना, तब से भाई बहुत ही मस्त हो गया, वरना भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था हरिद्वार में, इसके वजह से ना ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है। ओम नमः शिवाय। भाई हरिद्वार का पानी बहुत साफ गया है आजकल, आजकल हरिद्वार आने का बेस्ट है, बट बहुत ज्यादा ठंडा भी भाई। भाई हरिद्वार आके ना मतलब तीर्थ नगरी में आने के बाद ना मतलब दिल खुश खुश सा हो जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। दोस्तों आज बता ही दो, एंग्री के फाटक से मेरी क्या दुश्मनी है भाई, जहाँ भी जाता हूँ फाटक लग जाता है मेरे लिए भाई। यहाँ पर तो मैं जब भी जाता हूँ भाई फाटक ही लग जाता है मेरे लिए यार, और आज ही फाटक ही है। और भाई लोग भयंकर नीचे से गाड़ियाँ निकाल रहे भाई, लो भाई सब नीचे से बाइकें निकाल रहे भाई अपनी अपनी, हम भी निकाल लेंगे, हमारे तो निकलने की भी नहीं भाई। तो यार गाइस नजियाबाद भी क्रॉस कर लिया, नगीना पहुंचने आ रहा हूँ, बट अभी तक अपना जो पॉल्यूशन है अभी तक नहीं हुआ है, तो देखते हैं नगीना में हो जाए यार। भूख भी लग रही है तो कुछ खा भी लेंगे। और अंकल देख रहे हैं हमारी बाइक को, देख रहे हैं अंकल के, समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सी बाइक है। भाई सब देख रहे हो भाई, देख रहे हो फाटक तो ऐसी लगा रखा है मेरे लिए सिर्फ, और तो सब ऐसे निकल रहा है इधर से। तो यार गाइस ट्रेन भी आ गई है, भाई भी खुश हो गया भाई बाइक देख के, मस्त लग रही
मस्त है बोला भाई बैंग। तो आज तो भयंकर रिएक्शन वीडियो बन रही भाई तगड़ी अपनी एंग्री बर्ड में। थंबनेल भी भाई तुम्हारा भाई रिएक्शन वीडियो आने वाला है, थंबनेल भी सोच लिया भयंकर कितनी जल्दी। तो यार गाइस यहाँ पर गटरे चलान एक बार तो भाई मेरी फट के हाथ में आ गई थी भयंकर, मुझे रोक दिया है भाई। वो देखा कि बगल में बिना हेलमेट का था उसको रोक दिया था भाई। मैंने कहा भयंकर आज तो गया पॉल्यूशन में भाई, 1000 रुपए का चलान सीधे। और गाइस मेरा ये वाला जो कान है ना इसका निकलने लग गया है भाई, इसको ना पता नहीं कोई परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा। ये तो भाई बागेश्वर पहुंचने से पहले ही गिर जाएगा रास्ते में, तो बार बार मेरी नजर इसी में जा रही है। फेयर किक भी डाल दिया, सब कुछ करके देख लिया भाई। फेयर गाइस निकलने ही वाला है भयंकर। अब यार स्टैंड लग जा भाई, देख रहे हो भाई चिपक जा यार, क्यों दुखी कर रखा है। तो यार दोस्तों नगीना पहुंच चुका हूँ और भाई यहाँ पर बिना कहीं पर भी भाई मुझे पॉल्यूशन वाला नजर नहीं आ रहा है भाई। देखते हैं रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा यार। तो भाई तुलाराम जी के वहाँ पहुंच चुके हैं, तो तुलाराम जी के यहाँ कुछ खा लेते हैं पहले। अपनी पार्किंग खाली है भाई, अपनी पार्किंग ना हमेशा यहाँ पर रहती है ब्रो। तो यार दोस्तों नाश्ता भी कर लिया, तो भाई निकलते हैं। इसमें चढ़ना महाभारत हो गया भाई। ओ भाई पैर की नस मुड़ गई भाई। तो यार ये निकल ही गया, तो भाई इसको बैग में रख लेता यार। भाई बहुत ज्यादा दिक्कत देर था, ये बार बार इसी पर नजर जा रही थी भाई। अच्छा हुआ कि मतलब गिरने वाला था, निकाल दिया मैंने। फिर फाइनली दोस्तों आ चुके भाई हाईवे में। है मस्त है, मजा आ गया। चलो ठीक है, बाय बाय। तो यार गाइस आंटी भी देख रही है एंग्री, ये बंदा कर क्या रहा है। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं यार जब भयंकर ना एंग्री बर्ड क्रॉस होती है ना भाई लोगों से, भाई बच्चों का रिएक्शन बड़ा मस्त रहता है। वाहन प्रदूषण जांच भाई मिल गया फाइनली, बट भाई तो क्लोज है बट बंद है यार। भाई क्या रिएक्शन दे रहे हैं भाई लोग। दोस्तों पहुंचने वाले रामनगर, और भाई रामनगर से फ्यूल भी डलाएंगे क्योंकि तुम्हारे भाई की एंग्री बर्ड चल गई भाई 209 किलोमीटर। तो भाई लो लेवल फ्यूल में आ चुकी है गाड़ी, तो पहले फ्यूल लाएंगे रामनगर 6 किलोमीटर है यहाँ पर से। और रामनगर में भाई पॉल्यूशन वाला होगा वैसे, तो भाई लास्ट होप रामनगर में बची हुई है कि भाई पॉल्यूशन हो जाए यार। देहरादून से रामनगर पहुंच गया हूँ भाई, 200 किलोमीटर का सफर तय कर दिया है, बट अभी तक भाई अपने को पॉल्यूशन वाला नहीं मिल रहा है। तो मिला भी तो भाई वो बंद था। अभी फ्यूल डलवाते हैं। कैसे भाई पहचान रहे? नहीं पहचान रहे, पिछली बार हिमालयन से आया था ना मैं, हिमालयन से आया। याद आ गया पूरे पैक होना समझ। अच्छा तो यार दोस्तों अपनी चीता की पेट पूजा, तो यार दोस्तों चीता की याद आ रही बार बार। तो यार दोस्तों अपनी एंग्री बर्ड की पेट पूजा भी होगी, बट अपने को अभी तक पॉल्यूशन नहीं मिला है। तो भाई एंग्री बर्ड के कुछ ये हाल हो रखे अपने भाई, बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द होगी से मेरी आज, क्योंकि ना भाई क्योंकि ये जो बैग है ना भाई सीधे ना पीछे आ जा रहा है, सीधे आगे को आ जा रहा है, तो इससे भाई मैं पैक हो जा रहा हूँ बीच में। और भाई जो अपना लैपटॉप वाला बैग है ये भी थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा है। तो भाई रामनगर पहुँच गए, यहाँ से भाई 1 घंटे का सफ़र और है अपना, 1.5 घंटे का सफ़र और है हल्द्वानी। तो हल्द्वानी जाके रेस्ट कर लेंगे यार। यार दोस्तों तुम्हारा बैग का पॉल्यूशन हो गया भाई, 20/5/2023 तक वैलिड है भाई। थैंक यू। कैसी लग रही बाइक? मस्त, मज़ा आ गया? नहीं। और तुम्हारे भाई ने एंटर कर दिया भाई हल्द्वानी में, और भाई हल्द्वानी आती ना भूख लग रही है यार। तो तुम्हें पता ही हल्द्वानी आने के बाद ना तुम्हारा भाई खाने पीने का शौकीन आदमी ना भाई, तो चिकन का शौकीन आदमी तुम्हारा भाई, तो जाएंगे समा हो रेस्टोरेंट में, क्योंकि अपने चाची लोग को मना कर दिया था मैंने लंच के लिए। तो यार जब हल्द्वानी आते ना समा का चिकन खाने का मन करता है, कॉलेज जल्दी नहीं आता आते, तो पहले चलते हैं समा में। और कमल भी वहीं वेट कर रहा भाई मेरा दोबारा से, पिछली बार कमल वहीं वेट कर रहा था, इस बार भी वहीं वेट कर रहा है। हेलो भाई क्या ट्रैफिक लग गया गाइस। चलो भाई फाइनली निकल गए भाई। पुलिस वाला मेरे से पता क्या कर रहा भाई, ऊपर से ले ले, जैसे इसने कैमरा देखा ना भाई इसके बाद दोबारा नहीं बोला उसने। तो यार गाइस बहुत ज्यादा रस है यहाँ पे। यार गाइस बाइक भी पार्किंग में लगा दी है, यहाँ बैठ जाना, अंदर भी फुल है क्या? तो यार गाइस हमारा काली मिर्च चिकन आ गया और ये रोटियां। भाई 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 क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। ठोक दे ठोक दे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो यार दोस्तों ये अपना हल्द्वानी का बस स्टैंड। तो यार अब जाके मैं जा रहा हूँ अपने घर, और भाई टाइम भी भाई 4:30 बज चुके हैं, और चाची लोग को बताया भी नहीं कि भाई आज ही मैं आ रहा हूँ, तो भाई सरप्राइज होने वाला है उन लोग के लिए। और हल्द्वानी आने के बाद ना भाई थोड़ा अच्छा अच्छा लगने जाता है, क्योंकि इस वक्त अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर ना उतनी गर्मी नहीं हो रही है अभी। आपको बताया ठंडों के दिनों में तो हल्द्वानी मस्त रहता है, वरना गर्मियों के दिनों में तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है मेरे यहाँ पे। हेलमेट अच्छा लग रहा है तेरा यार।
इतने राइडर हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? तो यार गाइस बैग भी उतार दिया था मैंने, तो भाई ये तो बताना ही भूल गया मैं आप लोग को। भाई तो यार गाइस देखो कितना बड़ा बैग लेके जा रहा मैं इस बार। भाई 20-25 दिन का टूर है ना, तो पूरा सामान लेके आना पड़ रहा है। तो यार गाइस घर पहुंच चुके हैं और देख लो ये मेरा बड़ा भाई है और यहाँ पर कट रही है सब्जी आज। यार गाइस मेरा भाई कह रहा है ये बहुत ही भारी हो रही है, जैकेट भारी हो रही है, बहुत भारी हो रही है। अब पहनने के बाद थोड़ा हो रही होगी, पीछे को देख, पीछे को मुड़। ये मम्मी का एयर बैग है वो, तो कह एयर बैग नहीं है वैसी लुक है। सुनो एक दिन ये भी डाल जाना, ताजी लोग डाइनिंग टेबल में नहीं खाते हैं, मैं आ रहा हूं तभी खा रहे हैं। फिर सब लोगों ने देख लिया, सब लोगों ने देख लिया, सब लोगों को पता चल गया कि इनके घर में डाइनिंग टेबल भी है। और आज कमल के लिए भाई सारी सब्जी खाएगा तू? तो भाई ये अपना किसी सब्जी है, चावनी हर में आलू और गोभी की सब्जी है। आज यहाँ कुर्सी खा ली देले, तो यार यहाँ ऐसा करना पड़ता है, पहले मेहमानों को खिलाना पड़ता है, फिर जाके कमल उठा तो अब जाके अनारमुखी के लिए जगह हो रखी है। एक होता है सूरजमुखी और एक क्या होता है ये क्या है अनारमुखी। देखो अंधेरा, अभी तो हसरा रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे तुम? चाचा तेरे चक्कर में कमल ने रोटी कम खाई। कमल बर्तन मत धोना, आजा आजा साथ साथ में धोएगा सारे बर्तन। आगे बोलती है भाई बहुत ज्यादा कॉमेडी चल रही है भाई। तो यार दोस्तों खाना भी खा लिया है, तो भाई आज ना बहुत ज्यादा कॉमेडी हो रही है, मतलब आज ना मैं नाक से भी खाना नहीं करने वाला था एक बार, तो वीडियो भी एडिट कर लिया हम लोगों ने। तो यार सोते हैं, और चाची तो भाई चाची भी दोबारा आ गई है और सुबह पढ़ाई कर रहा है अभी। तो आज की इस वीडियो का यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज से ना भाई तुम्हारे भाई के डेली ब्लॉग आने वाले हैं, तो सुबह 8 बजे भाई वीडियो आएगी, तो अपने भाई के इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर।